सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फेमस टिकटॉक स्टार मिस्टर फैजू को मिला बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड पॉपुलर फेस। इस जीत के जश्न पे मिस्टर फैजू ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। मुझे बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है पॉपुलर फेस, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली टैलेंट ट्रैक की तरफ से। और सबसे बड़ा थैंक्स रहेगा मेरी क्यूकी को, जो मेरी टीम है, हमेशा से मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है और मेरे लिए हमेशा से वो स्टैंड करते हैं जहाँ पे भी हो, जैसी सिचुएशन हो। तो अलहमदिल्ला आज उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा अवार्ड मिला है और इंशाल्लाह आगे चल के और भी बड़े बड़े अवार्ड्स मिलेंगे। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स कहूँगा क्यूकी डिजिटल मीडिया को और समीर गोखले को, सागर गोखले। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा से मतलब यही था कि मैं जो कुछ भी करूँ बस ऐसा करूँ कि मतलब लोग मुझे पसंद करें, और हमेशा से मेरी यही चीज़ थी और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था। कोई भी चीज़ में अगर मैं चाहता हूँ तो बस मुझे लोग प्यार करें, हेट ना करें, और मैंने वो पूरी कोशिश किया और पूरी जी जान लगा दिया, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आगे भी बहुत बड़ी बड़ी जगह जाना है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा थैंक्स मेरी कंपनी को रहेगा क्यूकी डिजिटल मीडिया, आज उनकी वजह से मुझे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो थैंक यू सो मच क्यूकी। Hi everyone, we definitely understand the kind of charisma and all the networking that is going around, and we definitely respect and adore that part. But Talent Track is all about supporting the artists. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा वहाँ पे। बस अच्छी बात है, और जैसे कि आप देख ही रहे हो शो के मैं 18th एपिसोड में निकल गया था, फिर उसके बाद में मुझे बहुत सारे फैंस लोग के मैसेजेस और कॉमेंट्स आने लगे कि मतलब फैसू क्या ये सच है, ये ऐसा हो रहा है। मुझे उस वक्त बहुत आ रहा था मेरे दिल में कि मतलब मैं उन्हें बताऊँ कि मैं नहीं निकला हूँ, मैं शायद वापस आऊँगा, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। उससे मुझे पता चला कि लोगों का कितना प्यार है मुझ में, और वो एक दिन के बाद जब मैं वापस आया तो इतना प्यार बरसा है लोगों का मुझ पर, और वो इतना ज़्यादा खुश थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मैसेजेस, इतने कमेंट्स ट्विटर पे ट्रेंड। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं मेरे फैंस लोग को यही कहूँगा कि आप लोग ने हमेशा मुझे बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी साथ दिया है, और मैं यही कहूँगा कि गाइज आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हूँ। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो और सपोर्ट करते रहो, मैं इंशाल्लाह बहुत सारी जगह जाऊँगा और बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाऊँगा, सिर्फ आप लोग के बदौलत। झलक में देखो, मैं एक नॉन डांसर हूँ और मैं अपना 100% नहीं, 200% नहीं, 500% पुश कर रहा हूँ, क्योंकि एक नॉन डांसर के लिए बहुत मुश्किल होता है एक इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े मंच पर जाके। एक हफ्ते भर में आप प्रैक्टिस कर रहे हो 12-12 घंटा, और आपकी वो जो रिज़ल्ट है वो दो मिनट में आपको पूरा रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बट फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड आने के बाद में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं अच्छा कर सकता हूँ। जजेस के जैसे आप देख रहे हो कि उनके भी जो रिवर्ट आ रहे हैं, मेरा जो परफॉर्म देखने के बाद में, उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद में जो उनका फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए भी, और बस होप फॉर द बेस्ट। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि बस मैं जो भी जगह जाऊँ, जैसी भी जगह जाऊँ, मैं अपना 100% दूंगा, और मेरे फैन लोग का हमेशा से इतना प्यार सपोर्ट रहता ही है, तो जो है सब देख लूंगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बीटाउन तक को सब्सक्राइब करें।